नमस्ते दोस्तों, आज मैं एसटीआर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एसटीआर का नंबर है Q0765RT। यहाँ है पावर सप्लाई, ये एसटीआर पावर सप्लाई है। ये जो सफ़ेद लाइन देख रहे हैं, सफ़ेद लाइन का इस साइड में प्राइमरी साइड और इसका दूसरा साइड में सेकेंडरी साइड होता है। यहाँ है इस पावर सप्लाई का रेगुलेटर सेक्शन, यहाँ से इस पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है। यहाँ है ऑप्टोकपलर, इस जगह पे है एसटीआर। यहाँ है एसएमपीएस ट्रांसफार्मर, एसएमपीएस पावर सप्लाई ट्रांजिस्टर का भी होता है और एसटीआर का भी होता है। ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई का सेकेंडरी साइड से वोल्टेज आउटपुट होता है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इन पॉइंटों से वोल्टेज आउटपुट होता है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में यहाँ एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है, यहाँ से 110 वोल्ट आउटपुट होता है। इस पॉइंट में चेक करने से पता चलेगा पावर सप्लाई ठीक है या खराब है। यहाँ भी आउटपुट पॉइंट्स है, इन पॉइंटों में से भी वोल्टेज निकलता है। ये 110 वोल्ट का पॉइंट, इस पॉइंट में वोल्टेज ओके नहीं मिला तो इन पॉइंटों में भी आपको वोल्टेज ओके नहीं मिलेगा। ये अलग अलग वोल्टेज का आउटपुट पॉइंट्स है। ये 110 वोल्ट का पॉइंट, इस पॉइंट में वोल्टेज नहीं मिला तो ये समझना चाहिए इस लाइन में कहीं पे शॉर्ट है या पावर सप्लाई सेक्शन खराब है। ये रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट होने से भी यहाँ वोल्टेज नहीं दिखाता है। यहाँ वोल्टेज नहीं दिखाने से सबसे पहले हमें यहाँ आउटपुट ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर को खोल के यहाँ हमें वोल्टेज चेक करना चाहिए। फिर भी यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो हमें समझना चाहिए प्राइमरी सेक्शन खराब है। वैसे ही यहाँ 110 वोल्ट की जगह अगर आपको वोल्टेज बढ़ा हुआ दिखा तो, जैसा कि 150 वोल्ट या 200 वोल्ट, तब आपको यहाँ ये रेगुलेटर सेक्शन में देखना होगा। ये रेगुलेटर सेक्शन ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है और यहाँ एक प्रीसेट है। इस रेगुलेटर सेक्शन में लगे हुए पार्ट्स में खराबी आने से भी रेगुलेटर सेक्शन रेगुलेट नहीं कर पाता है। रेगुलेट नहीं कर पाने के वजह से पावर सप्लाई से वोल्टेज ज़्यादा निकलता है। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो जाने से 100 वोल्ट का नीचे 50, 60, 70 वोल्ट मल्टीमीटर में दिखाया तो आपको समझना होगा ये एसटीआर खराब हो सकता है। तो चलिए अब हम ये एसटीआर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। ये एसटीआर का एक नंबर पिन है, ये दो नंबर पिन है, ये तीन नंबर पिन है, ये चार नंबर पिन है और ये पांच नंबर पिन है। इस एसटीआर में टोटल पांच पिन होता है। इस एसटीआर का एक नंबर पिन में यहाँ से सप्लाई जाता है 280 वोल्ट, इस ट्रैक से इस पॉइंट में, इस पॉइंट से एक वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के थ्रू इस पिन में यहाँ से फिर ये ट्रैक होते हुए यहाँ एक जम्पर है, इस जम्पर के थ्रू ये पिन नंबर वन में 280 वोल्ट इनपुट होता है। ये दो नंबर पिन में ग्राउंड आता है, ये ग्राउंड ये मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव से आता है और ये इस ट्रैक से होते हुए यहाँ, यहाँ से फिर ये ट्रैक होते हुए यहाँ, यहाँ से ग्राउंड दो नंबर पिन में जाता है। ये तीन नंबर पिन, इस तीन नंबर पिन में VCC यानी एसटीआर का सप्लाई आता है 10.5 वोल्ट। ये पांच नंबर पिन है, ये पांच नंबर पिन में सिंक पल्स आता है यानी स्विचिंग पल्स। इन दोनों पिन में, तीन और पांच नंबर पिन में, ट्रांसफार्मर का इस पॉइंट से VCC और सिंक पल्स मिलता है। ये एसटीआर का चार नंबर पिन है फीडबैक पॉइंट, इस पॉइंट से वोल्टेज रेगुलेट होता है जो कि ऑप्टोकपलर से आता है प्रीसेट से वोल्टेज एडजस्ट करने से। इस पॉइंट के थ्रू एसटीआर में वोल्टेज रेगुलेट होता है या स्विचिंग रेगुलेट होता है, तब हमको कम या ज़्यादा आउटपुट में वोल्टेज
मिलता है। यहाँ एक ट्रैक है, इस ट्रैक के थ्रू ऑप्टोकपलर से सिग्नल आता है। यहाँ एक जंपर है और यहाँ फिर एक ट्रैक है, इस ट्रैक के थ्रू ऑप्टोकपलर का 4 नंबर पिन से रेगुलेटर सिग्नल एसटीआर का 4 नंबर पिन में जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम एसटीआर का वोल्टेज मेज़र करते हैं। मल्टीमीटर का नॉब को डीसी 20 पे सेट करके रखा है, ब्लैक कॉर्ड को हीट सिंक में ग्राउंड कर दिया है और ये जो रेड कॉर्ड है, इस रेड कॉर्ड से हम वोल्टेज मेज़र करेंगे। पिन नंबर 1 में वोल्टेज मेज़र नहीं करना है क्योंकि ये पावर सप्लाई ओके है, रनिंग कंडीशन में है। तो 2 नंबर पिन में हम चेक करेंगे। यहाँ 0 दिखा रहा है क्योंकि ये ग्राउंड है, इसीलिए यहाँ 0 दिखा रहा है। पिन नंबर 3 में चेक करेंगे, यहाँ 10.5 दिखा रहा है। 4 नंबर पिन में 0.5 वोल्ट दिखा रहा है और 5 नंबर पिन में 1.0 वोल्ट दिखा रहा है। ये दोस्तों बिल्कुल ओके सेट से वोल्टेज रीडिंग लिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।